5000 रुपए का इनाम है रोड पार करने के ऊपर और बाइक से नीचे पैर नहीं रखने हैं। ये कमाल की एक प्रतियोगिता रखी गई है और ये रखने का एक खास मकसद है। 4 बाइक वाले लगा दिए हैं और 5000 रुपए का इनाम है। फिलहाल बरसात का मौसम है और 5000 रुपए का इनाम। यस, कौन खाते बैठे थे वो तो कान खाते बैठे हैं, गपला कर रहे हैं और बोल। 5000 5000 5 ये सड़क है, ये सड़क है क्या? इसका चाटा कर दो भाई। ये एक आ गया, एक आ पैर नीचे रख दिए, ए ए ए हो गया। हम तो काल पैर हैं उम्र हमर गेड़ कुआ में बच गया। ओ ओ शाबाश, ओ गेर दिया, गेर दिया, ओ गेर दिया भाई। पीछे देख सकते, पीछे देख सकते, 5000 का। ओ देखो, ओ कर दिया भाई कम, ओ कर दिया कम, ओ कर दिया भाई। ओ तेरी, आ जाओ आगे, आ जाओ। ओहो ओहो क्या बात है, डाइट ले भाई, तो भी उड़े डाइट ले। आ जा आ जा, तने भी 5000 देवांगे फटाफट। आ जा ये देखो। हाँ जी, मजा आया भाई साहब? ना जी। के बात, 5000 मिले थे क्यों पैरटेक के नीचे? ना जी, 50000 में भी कोनी। 50000 में भी कोनी बात बने जी। गाड़ी गुड्डी ले आओ और फिर। ना जी, कोई गाड़ी नहीं, उरे चोट लागण का बहुत खतरा है। कुछ भी हो इसके जीव रहे, कुछ भी हो सके, कुछ भी। हाँ जी, एक भाई साहब हो रहे। भाई साहब रोड की हालत इतनी खराब होगी, बना की घर जाए लिए हुआ मार दी आड़ा सारी कल ही मार दी दे गए। रोज का टपना है को डेली वेज का भी आपने देखा भी है, यू क्या हाल चाल था आपका? बाइक तो 2 बार नीचे गिर गया, वजह क्या रही? बाइक भाई साहब गड्ढे इतने हो रहे हैं, बना के अगले जाए लिए आपने देखा भी क्या हाल हो रहा है? जगह जगह पानी डट रहा है भाई साहब। यू आड़ा को बाइक ऊपर टपाओ, आड़ा साइकिल पैदल घंटे पे जाता बाइक की, तो बहुत बड़ी बात है। बाइक ऊपर टपाओ भाई। एक भाई साहब हो रहे हैं ऊपर फ्रेंड लिख रखे। हाँ जी भाई साहब, राम राम। भाई साहब देखियो रोड की हालत है, बनानी पूरा बनिया इब तो ही है कोनी, अरिब तो पहले खड्डे हो रहे हैं इब तो पहले। उस भाई का भी देखो भाई, ये हालत, ये भाई भी कंप्लीट आपकी पूरी नहीं कर पाया, यहाँ तक गया जरूर लेकिन रह गया। भाई साहब राम राम। राम राम। कर एक वो जो मजदूर लगे हुए थे उनके पास में आया था, वहाँ भाई ये क्या कर रहे हो भाई? इसमें छोटी रोडी बड़ा रोडा जो भी डला है रोड रोलर से वो होता है इसका, अरे उससे मैंने बात की जो ठेकेदार से, वो बोले अबे तुम्हारे गांव का जेई है, उसने बोल रखा है जैसे कर पास मैंने करना है, ठीक आप चिंता ना करो जैसा लगाओ वैसा लगा दो, हमारे गांव में कोई बोलने वाला नहीं है। अभी 5000 रुपए की प्रतियोगिता रख रखी थी कि वहां से लेके और वहां तक वो जो बाइक आ रहे ना वहां तक आपको पार करना है, 5000 रुपए मिलेंगे अगर रोड के ऊपर बिना पैर रखे पार कर दिया तो। क्या लगता है कोई व्यक्ति पार कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, पियो और पीने दो, कुछ इस तरीके का माहौल इस रोड का हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, अभी भाई बता रहा था कि इस गांव के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन गांव के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कितने लोग यहां पर खड़े हैं। 5000 रुपए की प्रतियोगिता रख दी अगर कोई व्यक्ति इस रोड को पार करता है तो। पता है क्यों रखी गई है? रोड के हालात ऐसे हैं, जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, जो बराबर करना चाहिए था इसके ऊपर जो सामान लगना चाहिए था वो लगा नहीं, आज हालत ऐसी हो चुकी है। आपका क्या मानना है? एक बार गांव वालों से बातचीत कर लेते हैं, हर जगह पे दौरा लगा लेते हो आप भी आज सिसाई में। फिर तो अपना तो गुआंड गांव भाई, हर बात सुन लो, जहां जहां दुखी होते हैं लोग वहां वहां मनोज राठी पहुंचेगा। आज मैंने पता चला, मेरे साथियों ने फोन कराया भाई, यो मेन रोड है गांव का, सारा गांव अड़क टपे है, एक आदमी मोटरसाइकिल पर टपकी दिखा दो मान जाऊंगा, फिर तो नुगो सरकार के खिलाफ ना। जरा आपको भी जीतने का मौका मिल जाता अगर जे आप बाइक के ऊपर आ जाते तो। हाँ मैंने मौका मिला था ना, मेरे तो पता जाके लाकर रोड चलाना नहीं, मन तो इतना बाइक चलाना भी कौन, अरे एक्सपर्ट है बाइक का छोरा, रोज खेत में जाए इसका ना चल रहा है बाइक, कितने बाइक टपवाए हैं अपन, आपका कैमरा चालू होने तो पहले उधर 10 बाइक टपवा के देखिए बिना पैर को चल जाके। दरअसल क्या है कि रोड ही नया बनाया है, रोड जब यो नया बनाया है, रोड नया बनाओ उसमें नियम और कानून हो, रोडे बिछाने हुए हैं, रोड बनाने के बाद उसके ऊपर रेती डालनी हो, पैसे तो ले गया माल के ठेकेदार, अरे भाई साहब बना गया जमा डंगा खड्डे हो गए और पानी आपने आपके देखो ई भी सबका सामने प्रूफ है, कुछ अंधभगत फिर भी गाड़ दे होंगे फेसबुक के ऊपर, पता नहीं उनने के चाहिए भाई साहब। एक बात बताओ, सारा गांव सिसाई उरक टपैर, सारा गांव दुखी है, लाखों की संख्या है भाई साहब, जो पूरा हरियाणा में इस प्रकार की गली बनाने वाले ठेकेदारों से लाखों लोग परेशान है, सरकार फिर भी सुध कौन ले, मंत्री और विधायक फिर भी कौन देखे, बताओ रोड़ा के भाई फिर तो वह बात होगी सौदा है कि मैं नहीं, किसका? सरकार का। और भाई साहब इसका अपना के नाम है तेरा दुष्यंत का और खट्टर का, फिर तो कहनी पड़ेगी हमने,
भाई एक ठेकेदार सरे आम चोरी कर ले गया, सरे आम पूरे शीशा के गांव का आंखा में धूल झोंक गया। और भाई साहब फिर हम क्या कहेंगे? आपने पता है सरकार भी चोर, मंत्री भी चोर, ये दुष्यंत और भी चोर, इन अपना कमीशन ले लिया। देखो जेई ने अपना ले लिया, एसडीओ ने अपना ले लिया, एक्शन ने अपना ले लिया, भाई साहब विधायक अपने ले गया, मंत्री अपने ले गया, मुख्यमंत्री ने अपने ले लिए। फिर ये ढोंग क्यों करे है काम कराने के? सारे गोज में गाल ले, फिर ठेकेदारा तो राण की जरूरत नहीं है, सारे बिना काम कराए बांट ले, सारा प्रदेश को लूट लिया भाई साहब। और फिर ये अंध भक्त नु कहोगे मनोज गलत बोला है, अरे गली ठीक बनवा दो भाई, हम गलत बोलना है को नहीं, गलत काम करो ना, हम क्यों बोलेंगे भाई साहब? मैं एकला गलत बात बोलूं, देख भाई कितने आदमी है, ये सारे पीड़ित हैं, उरे अण के मकान है, सारे पीड़ित हैं, आपका सामने गली है, कैमरा में तसल्ली दिखा दे भाई, और खासकर उन अंध भक्तान दिखा दे बीजेपी वाला ने, जो उनके नेता बैग भर भर के ले जाए। आरोप नहीं है भाई साहब मेरे, मेरा सीधा 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 सबूत कैसे माल लेने वाले विधायकों और मंत्रियों का खुला चैलेंज है, ना लेंदे हो, आपका कैमरा के सामने आ गई, एक विधायक नु कहो ना मैं कौन लूं, मैं उसकी पोल पट्टी पाड़ूंगा तेरे सामने, फिर उसकी चिट्ठी काट के मैं धरूंगा भाई साहब, एक अधिकारी नु कह देना मैं कौन लूं भाई साहब, मेरी गारंटी बात बताओ, रोड बनाया है तो रोड पास भी तो हुआ होगा, कोई जेई एक्शन एसडीओ आया भी होगा, इसका निरीक्षण भी तो हुआ होगा, या फिर सारे इकट्ठे आपने तो एक ही सूत्र में बंध दिए राठी साहब? फिर मैं कि झूठ बोलूं था, सारे गांव वाले ने पूछ ले भाई, जेई भी आया, एसडीओ भी आया, एक्शन सारा मेरा है, सबके पास हिस्सा बराबर पहुंच चुका है, विधायक के पास बराबर हिस्सा पहुंच चुका है। भाई साहब एक बात नोट कर लो, ये मंत्री संतरी जो है ना अपना माल टेम पर लेके घर बैठ जाए, सारा गांव दुखी होने का कोई मतलब नहीं। आज दो बूंद बारिश हुई है, अड़ग लिकड़ा कौन जा, किचड़ हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, वहां से वहां तक आप देख लो, सारा गांव मांड आप कैमरा लेके, एक आदमी नुक देना भाई, रोड ठीक है, पहले ठीक था, यो पाड़ के नया बना दिया और बुरा हाल कर दिया भाई साहब। देखो माल नहीं लगाओगे तो कौन जुम्मेवार है? आता मंत्री जुम्मेवार है कि नहीं है? यार मंत्री के बिना रोड खराब कर देंगे ठेकेदार? है ठेकेदार की हिम्मत है भाई, माल कौन गिरे उसके ऊपर है? सही बात। ताऊ जी क्या उम्र होगी आपकी? 70 दौड़ो, हम तो कायल पाए रहे हैं, उम्र हमारे गेड़ कुआ में ठोकर और कोई कलाबादी करता जे है पर नहीं जा सकते, पशुओं को हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्या फायदा इस रोड का? जैसे तैसे करके ब्लॉक लगा दिए, ऊपर बालू रेत डालने की बजाय बराबर से मिट्टी ली चिक्कड़ वाली, वो चिक्कड़ इसके ऊपर डाल दिया, पहले चिक्कड़ था और ज़्यादा चिक्कड़ कर दिया, अब कहाँ जाए, बाहर नहीं निकल सकते। भाई ताऊ जी का तो यही कहना है, भ्रष्टाचार है सब, कोई कि में नहीं लाँदा, सारा माल ने पीजे हैं, गांव वाले दुखी रहो या सुखी रहो, गांव वाला हम आम देखे एमएलए मंत्रिया बेरा को नहीं भाई, उनका हिस्सा जाए रहा सीधा जाए ना, तो मेरा तक कही है क्या अपना चौथर पे बोला भाई मैं उन्होंने करवाऊंगा, हर तरफ कितने हैंडा जाना तो हैंडले चक्की ते शिकायत कर कि मैं कर मारा तो यूए काम है, और बोला दो चार दिन करवाने दे मन बोला फिर हमें हंसी जाए बैठे हैं, तीन तीन मंजिली कोठी का एड्रेस सारा काम का सौदा खाएगी जी, और जमा गदर मचा रखा है, जमा 5 साल हो गए बनया ना ना, तो जी काम का पिंडा छोट रखा है तो कह दे इस्तीफा भी दे दूंगा और ना दें दे मैं जब ये ईंट लगाऊं थे आधी टूटी ईंट ला रखी इन्हें फिर भी पूरी कहाँ तेनों का भाई हम के घर ठेकेदार हमने ऑर्डर को देना ऊपर तक सारा इसा ठेक कर दिया है, पहला ही ठीक था हमारा रोड तो ये और तो बिरान माटी हो रही, देखियो रोड बन गया चिकड़ देख लो कितना है, 5 फुट इंच तो रोड गिरना चाहिए था, ऊपर रोड मारना चाहिए था, फिर मिट्टी करनी चाहिए थी, फिर रोड मारना चाहिए था, उसके बाद ईंट लगानी चाहिए थी, क्या समझा? ताऊ जी उम्र कितनी होगी आपकी? 81 साल। 81 साल की उम्र होने के बावजूद आपको पता है, और पढ़ाई कितनी करी है? अंडर मैट्रिक। आप अंडर मैट्रिक हो उसके बावजूद आपको पता है जो एसडीओ एक्शन लगे हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो इतना पढ़े लिखे उनको इस बात का नहीं पता, खान खाते बैठे थे वो तो खान खाते बैठे हैं गफला कर रहे हैं और बोल, और मेरी घरवाली फांसी में कुंडर था ये फिर डोगा क्या हम तले दे रहे हैं कदा चेप दिया करो उसका मान का तले रहे हैं वड़ा जी तो जर फोड़ी दी और बोल ये सड़क है देखो इसका ये सड़क है क्या इसका चाचा कर दो भाई ले तो सबसे बड़ी बात है एक रोड़ा भी डाल ले तो मेरी गारंटी भाई साहब देख लो आप खुद मार ले बात है देख लो रोड़ा हो तो मिट्टी है प्योर मिट्टी है ये गांव वाले हो जाओ सारे दिन उरे परेशान क्या कहेंगे बताओ शेयर करो हालत दिखाओ आईना दिखाओ पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है पूरे शहर के अंदर ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप ये है गांव सीसाई की ये चल क्या रहा है
सरकार की तरफ से इतना पैसा आ रहा है लेकिन ज़मीन के ऊपर धरातल के ऊपर कितना लग पा रहा है। फिलहाल ये मिट्टी के ऊपर लगाया जा रहा है सारा का सारा पैसा, और बाकी कहाँ पे गया एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिए। और एक बड़ी बड़ी खबरें ये भी आ रही हैं कि अब आईजी साहब के और हरियाणा सरकार के भी ऑर्डर हो चुके हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पैनी निगाहें जो हैं वो रखी जाएं। मैं तो कहता हूं कि साहब सोशल मीडिया के ऊपर पैनी निगाहें रखो, दूरबीन लगा कर देखो, लेकिन सिर्फ देखो ही नहीं कार्रवाइयाँ भी करो। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई सोशल मीडिया वाला गलत न्यूज़ दिखाएगा सेकंड में FIR हो जाएगी। जब सोशल मीडिया वाला अच्छी चीज़ दिखाए ना तो उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए, जो लोग इस तरीके का घोटाला कर रहे हैं। उस वक्त पर क्या आपकी कलम रुक जाती है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपने ये कार्रवाई करना, हमारे ऊपर कार्रवाई करने की जो मांग रखी है, जो सोशल मीडिया वाले गलत न्यूज़ दिखाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो ये कार्रवाई उन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए जो आज इस तरीके के हालात यहाँ पर बना कर गए हैं। क्या मानना है आपका? अब मैं अपील करता हूँ प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जो ये एक घोटाला हो रहा है इसको रोका जाए। इससे ऊपर क्या होगा, इससे ऊपर क्या होगा? मिट्टी हाथ के अंदर लेकर दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं ना, हाथ नहीं लगा कर देखते। आपके सामने स्पष्ट तौर के ऊपर दिखा रहा हूँ ये हालात है यहाँ के। अगर मानवता बची है तो इसको शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़।